हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, स्टार्टिंग विंडोज 7। यहाँ पर आपको CW लिखना है, देन आफ्टर यहाँ पर ऐसे स्टार कर हार्ड वर्ड्स HARDWORDS हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट इज डेस्कटॉप, DESKTOP डेस्कटॉप, जो कंप्यूटर में होता है। ये डेस्कटॉप क्या है, कंप्यूटर की फर्स्ट स्क्रीन है। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, डेस्कटॉप। और डेस्क मतलब कि टेबल, और टॉप मतलब उसके ऊपर आप जो रखते हो वो। तो कंप्यूटर में भी डेस्कटॉप होता है, उसके ऊपर बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं। सेकेंड टास्क बार, TASKBAR टास्क बार। टास्क बार मतलब क्या होता है कि जो जिससे हम काम कर सकते। टास्क का मतलब कुछ वर्क, और बार मतलब एक लंबी पट्टी। तो जहां से हम कोई भी प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं तो वो कहां से मिलेगा हमें, टास्क बार के अंदर से। बटन BUTTON बटन। बटन का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी स्विच ऑन करो ऑफ करो तो वो क्या होता है उसमें, बटन, इसलिए उसको बोलते हैं बटन। क्विक लॉन्च QUICKLAUNCH क्विक लॉन्च। तो क्विक लॉन्च क्या होता है कि क्विक मतलब जल्दी, और लॉन्च मतलब आप जो भी प्रोग्राम ओपन करना चाहते हो तो वो ऐसे ओपन हो जाए, तो उसको बोलते हैं क्विक लॉन्च। 5 नोटिफिकेशन NOTIFICATION नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मतलब कि आपको कोई भी मैसेज आया, तो कुछ भी होता है तो वो आपको एक नोटिफिकेशन में दिखाई देता है। सेम यहाँ पर कंप्यूटर में भी एक नोटिफिकेशन एरिया होता है जो हमें दिखाता है कि आपके जो कंप्यूटर में वायरस है तो वो भी पॉपअप होकर दिखाता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन। माउस पॉइंटर MOUSEPOINTER पॉइंटर। माउस पॉइंटर क्या होता है कि जब आप माउस को कंप्यूटर में दिखाना है तो वहां पर क्या आता है, एरो की आती है, तो उसको हम बोलते हैं माउस पॉइंटर। तो जब भी हम माउस को मूव करेंगे तो वो मूव कैसे होगा, वो हमें डेस्कटॉप पे या फिर कंप्यूटर में कैसे दिखाई देगा, एक पॉइंटर की तरह, जिसको हम एरो भी बोलते हैं, तो वैसा दिखाई देता है। 7 डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉक्यूमेंट्स मतलब कि कोई भी आप प्रोग्राम में फाइल बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स। फाइल फोल्डर जो भी हम रखते हैं, हम कोई भी फाइल्स बनाते, सपोज हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ लिखकर उसकी फाइल बनाई है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट्स। 8 आइकॉन ICON आइकॉन मतलब के छोटे छोटे पिक्चर्स जो डेस्कटॉप पे होते हैं उससे हम प्रोग्राम ओपन करते हैं, इसको हम बोलते हैं आइकॉन्स। सिलेक्टिंग SELECTING सिलेक्टिंग मतलब कि आप कंप्यूटर में जब भी कोई प्रोग्राम ओपन करते हो तो पहले उसको क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट, मतलब आप एक बार क्लिक करोगे तो सिलेक्ट होगा, दो बार करोगे तो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। डीसिलेक्टिंग DESELECTING डीसिलेक्टिंग मतलब कि सिलेक्ट किया है तो बार क्लिक कर दो तो वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्टिंग करना बहुत जरूरी होता है, जब हम कॉपी करते हैं कट करते हैं तो कोई भी डेटा को हम कॉपी करना या कट करना चाहे तो उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज ऑटो अरेंज AUTOARRANG ऑटो अरेंज मतलब कि आप कोई भी, आप जब भी फाइल या फोल्डर ऐसे ही रख देते हो तो आपको उसको ऑटो अरेंज पर रख दो तो वो अपनी जगह पर प्रॉपर से हो जाएगा, अल्फाबेट की तरह से, जैसे कि A to Z ऐसे अरेंज होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो अरेंज। हाइड HIDE मतलब छिपाना, तो आप कोई भी फोल्डर या फाइल्स है जिसको आप डेस्कटॉप पर या किसी भी जगह पर दिखाना नहीं चाहते, ये कॉन्फिडेंशियल रहता है, आप उसको अपने आप खोलते हो तभी इसको हम क्या करेंगे, हाइड करेंगे कोई भी फोल्डर या फाइल को, तो हाइड करने से वो क्या होता है, फोल्डर वहां पर दिखाई नहीं देता है।
गैजेट्स, GADGET, गैजेट मतलब कि आप डेस्कटॉप पर जो भी आप चाहिए, सपोज क्लॉक चाहिए या फिर इमेज चाहिए, तो वो आप गैजेट्स में रख कर ओपन कर सकते हो। क्लॉक, CLOCK, क्लॉक मतलब क्या होता है, घड़ी, जिससे हम टाइम देखते हैं, तो कंप्यूटर में भी क्लॉक आती है। EMPTY मतलब खाली करना पूरा, तो रिसाइकल बिन जब भी भर जाता है तो हमें उसको एम्प्टी करना पड़ता है। रिसाइकल बिन पता है सबको, डिलीट हुई जो फाइल होती है वो कहाँ पर जाती है, रिसाइकल बिन में, तो रिसाइकल बिन बहुत भर जाता है तो अभी हमें उसको क्या करना पड़ता है, एम्प्टी मतलब के खाली करना पड़ता है, तो इससे रिलेटेड ये वर्ड है। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर 4 के सभी हार्ड वर्ड से आपको लिख लेने हैं। ओके, नाउ स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 4, एक्सप्लेनेशन, स्टार्टिंग विंडोज 7। तो विंडोज 7 क्या है, विंडोज 7 इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, विंडोज होना चाहिए। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स के अंदर होनी चाहिए, या तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, यूनिक्स, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, पर पॉपुलर कौन सी है, विंडोज। और 7 क्या है, 7 इज द वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टार्टिंग विंडोज, एज यू ऑलरेडी नो दैट विंडोज 7 इज द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप सबको पता है कि विंडोज 7 है वो बहुत पॉपुलर है और यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी है कि हम इजीली वर्क कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट विंडोज 7 एंड कंपोनेंट्स। तो अब हम इसकी डिटेल में जानकारी लेंगे। डेस्कटॉप बैकग्राउंड, द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ विंडोज 7 अपीयर्स एट द बिलो, इट्स कॉल्ड डेस्कटॉप। तो ये पूरा है उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। तो ये पूरा जो कंप्यूटर में स्क्रीन आती है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। यहाँ पर क्या लिखा है, टास्क बार, टास्क मतलब वर्क और बार मतलब एक पट्टी, तो जैसे ऐसी लॉन्ग ऐसी बार है उसको हम क्या बोलते हैं, टास्क बार। फिर यहाँ पर छोटे छोटे जो आइकन्स है, उस जो पिक्चर्स है उसको हम क्या बोलेंगे, आइकन्स, जिसे हम प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। ये क्या है, पूरा विंडोज 7 डेस्कटॉप है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है विंडोज 7, ऐसे कंप्यूटर में पूरा विंडोज 7 दिखाई दे रहा है, और ये पूरा है डेस्कटॉप, और ये छोटे छोटे इमेजेस है उसको आइकन्स बोलते हैं, और ये यहाँ पर ऐसी लॉन्ग बार है उसको बोलते हैं टास्क बार। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टास्क बार। यहाँ पर आपको टास्क बार दिखाई दे रहा है, द टास्क बार इज अ लॉन्ग बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। तो जो टास्क बार है वो कहाँ पर है, मैंने अभी आपको दिखाई कहाँ पर है, बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में नीचे, सबसे नीचे जो बार है, पट्टी है, तो उसको क्या बोलते हैं, टास्क बार, सेक्शन ऑफ द टास्क बार। अब टास्क बार है तो उसमें बहुत सारे सेक्शन है, तो क्या क्या है, स्टार्ट बटन है पहले तो, STARTBUTTON, स्टार्ट बटन। व्हेन क्लिक इट ओपन्स द स्टार्ट मेनू, जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हो तो क्या हो जाता है, स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। सेकेंड, क्विक लॉन्च एरिया, QUICKLAUNCHAREA, इट इज ओपन द प्रोग्राम क्विकली दैट आर अवेलेबल ऑन क्विक लॉन्च एरिया, यू कैन ओपन देम बाय अ सिंगल क्लिक। थर्ड वन इज मिडल सेक्शन, इट शो द आइकॉन्स ऑफ द प्रोग्राम दैट आर करंटली इन यूज, मतलब आपने जो प्रोग्राम ओपन किया है वो जो यूज हो रहा है वो करंटली वो दिखाई देता है, ठीक है। द नोटिफिकेशन एरिया, द राइट साइड ऑफ द एरिया ऑफ द टास्क बार इज नोन एज द नोटिफिकेशन एरिया, इट कंटेन्स अ क्लॉक एंड अदर ग्रुप ऑफ आइकन्स। शो डेस्कटॉप बटन, इट डिस्प्ले द डेस्कटॉप जस्ट बाय अ माउस क्लिक। तो आप ऐसे शो डेस्कटॉप पर क्लिक करोगे तो आपको जो भी आपका प्रोग्राम है तो वो ऑटोमेटिक मिनिमाइज होकर आपको डेस्कटॉप दिखाई देगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, स्टार्ट बटन है जो ऐसा दिख रहा है।
कई कई बार यहाँ पर विंडोज जैसा लोगो आ जाता है और कोई कोई बार बटन आ जाता है जिसमें लिखा होता है स्टार्ट बटन, देन आफ्टर क्विक लॉन्च एरिया, क्विक लॉन्च एरिया यहाँ से लेकर यहाँ पर है। तो ये आप जो भी क्विकली ओपन करना चाहते हो, सपोज मुझे कुछ मूवीज देखनी है, सॉन्ग सुनने हैं, तो मैं इसमें विंडोज मीडिया प्लेयर रख दूंगी। फिर इंटरनेट ओपन करना है तो एक ब्राउजर रख दूंगी। तो ये पूरा क्या है, क्विक लॉन्च एरिया है। देन आफ्टर मिडल सेक्शन, तो यहाँ पर अभी ओपन बहुत सारे, गूगल क्रोम ओपन है, देन आफ्टर एडोब ओपन है, तो ये सारा ओपन हुआ है, तो ये मिडल एरिया है पूरा का पूरा। देन आफ्टर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एरिया दिखाई दे रहा है, ये है ना, ये नोटिफिकेशन एरिया है। इसमें साइड में यहाँ पर तीन डॉट होते हैं, उसमें साइड में 100 डेस्कटॉप बटन्स होता है, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि कहाँ से कैसे होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको नीचे ऐसे स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है सबको, यहाँ पर ऐसे स्टार्ट बटन है, ओके। फिर ये क्या है, क्विक लॉन्च एरिया, यहाँ पर वर्ड ओपन करना है मुझे, रेगुलरली वर्ड में वर्क करती हूँ तो ये मैंने रखा है, यहाँ पर गूगल क्रोम रखा है, ये बीच वाला है जो ऐसे आके अभी ब्लैंक है क्योंकि मैंने अभी कुछ ओपन ही नहीं किया है। अगर मैं कुछ ओपन करना चाहूँ, सपोज मुझे यहाँ पर ऐसे ये फोल्डर ओपन करना है मुझे, तो ये फोल्डर ओपन कर दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या आ गया, ऐसे फोल्डर वाला कुछ ओपन होकर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने ये सपोज कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, ये ओपन कर दिया है, तो यहाँ पर मुझे ये ओपन होता दिखाई देगा, ठीक है। तो ये पूरा मिडल एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। फिर ये कौन सा वाला एरिया है, नोटिफिकेशन एरिया, ये पूरा है ना ऐसे, ये पूरा नोटिफिकेशन एरिया है जहाँ पर डेट एंड टाइम है, फिर इंटरनेट का सिंबल है, ये नोटिफिकेशन वाला सिंबल है, ओके। यहाँ पर साइड में क्या है, 100 डेस्कटॉप, ये वाला है ना जो ये वाला, इसको बोलते हैं 100 डेस्कटॉप। अभी मैं 100 डेस्कटॉप पर क्लिक करूँगी माउस पॉइंटर से, तो यहाँ पर क्लिक किया तो मेरा जो प्रोग्राम है वो चला गया और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, डेस्कटॉप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज चेंजिंग द पोजिशन ऑफ टास्क बार। अब आपको टास्क बार की पोजिशन चेंज करनी है। यू कैन चेंज एंड मूव द पोजिशन ऑफ द टास्क बार टू एनी ऑफ द साइड्स ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन, दैट इज लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। तो आप यहाँ पर टास्क बार दिखाई दे रही है सबको, तो आपको क्या करना है, मूव करना है, मूव करके आपको लेफ्ट में अरेंज करनी है, राइट में अरेंज करनी है, या टॉप में या बॉटम में, ऐसे आप अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आपको माउस पॉइंटर से ये होगा, तो माउस पॉइंटर से आपको क्लिक करनी है, लेफ्ट क्लिक करके उसको प्रेस करके मूव करना है। सपोज स्टेप टू चेंज द पोजिशन ऑफ लेफ्ट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, मूव द माउस पॉइंटर टू एन एम्प्टी एरिया ऑन अ टास्क बार। तो आपको माउस पॉइंटर को खाली जगह पर ले जाना है, कहाँ पर, टास्क बार के। स्टेप टू क्लिक द होल्ड एंड द माउस बटन, क्लिक एंड होल्ड द माउस बटन, आपको माउस बटन को प्रेस करके रखना है। स्टेप थ्री ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑफ द लेफ्ट ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, रिलीज द माउस बटन। नाउ नेक्स्ट इज टास्क बार ऑफ योर कंप्यूटर मूव टू द लेफ्ट ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट बटन, व्हेन यू क्लिक द स्टार्ट बटन यू कैन स्टार्ट यूजिंग एनी प्रोग्राम, इट डिस्प्लेज अ मेनू, क्लिक द स्टार्ट मेनू, इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट द लेफ्ट पेन एंड द राइट पेन। जब आप माउस पॉइंटर को क्लिक करते हो तो आपको दो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक लेफ्ट है और एक राइट पे है, तो राइट पेन दिखाई दे रही है, यहाँ पर लेफ्ट पेन दिखाई दे रही है, और यहाँ पर सर्च बॉक्स है, जो भी प्रोग्राम चाहिए वो सर्च बॉक्स में टाइप करो तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा बटन है, शट डाउन बटन है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, टास्क बार बटन के अंदर जो मेनू निकलता है वो है। तो उसके लिए हमें क्या स्टेप करने हैं,
Step 2. View the recently opened files and programs. Step 1. Click the start button. Start menu appears. Step 2. Click the program that has a कौन सा सिंबल है, ऐसा सिंबल आएगा. स्टेप 3. अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली ओपन फाइल्स विल अपीयर. तो ऐसे जिसमें भी ऐसे पॉइंट आते हैं एरो, तो उसमें क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स है. अभी एडोब रीडर का ओपन किया है तो उसकी बहुत सारी फाइल्स इसके अंदर है. दिखाई दे रही है सबको. नाउ नेक्स्ट इज ऑल प्रोग्राम. इट गिव्स यू एन एक्सेस टू ऑल इंस्टॉल्ड प्रोग्राम. तो ऑल प्रोग्राम्स में क्या होता है, जो भी आपने इंस्टॉल किया है, जो भी प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, वो कहाँ पर दिखाई देता है, ऑल प्रोग्राम्स में. नेक्स्ट इज सर्च बॉक्स. सर्च बॉक्स इज एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट पेन. द सर्च बॉक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड थिंग्स ऑन योर कंप्यूटर. तो सर्च बॉक्स है, यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है. तो वो क्या है, आप वहाँ पर क्लिक करते हो और आप जो भी आपको प्रोग्राम चाहिए, सपोज मुझे पेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पर पेंट लिख दूंगी तो मुझे ऑटोमेटिकली वो दिखाई देगा और मैं उससे ओपन कर सकती हूँ. नेक्स्ट इज राइट पेन. अभी कौन सी बारी है, राइट पेन. यहाँ पर राइट पेन दिखाई दे रहा है इसका. इट इज कंटेंट्स लिंक टू द प्रोग्राम दैट आर कॉमनली यूज. तो आप ये राइट पेन में क्या होता है कि बहुत सारे कंटेंट्स जो आप कॉमनली यूज करते हैं वही होते हैं. सपोज मैं गेम्स खेलती हूँ या फिर मेरा जो यूजर्स है वो, मैं यूजर्स डॉक्यूमेंट्स सभी कुछ किसके अंदर होता है, यहाँ पर राइट पेन में. कंट्रोल पैनल्स देन कंप्यूटर, माय कंप्यूटर्स के अंदर सभी फाइल्स होती है तो वो सब इसके अंदर होता है. सम ऑफ द आइटम्स इन राइट पेन आर एस बिलो. डॉक्यूमेंट्स. It gives you an access to your documents library that contains reports, notes and all kind of documents. तो documents के अंदर क्या होता है कि आपने जो भी file और folder जो भी save किया है, तो आपने suppose कोई location select नहीं किया तो by default कहाँ save होता है, document के अंदर. तो आपको ढूंढना कहाँ पर चाहिए, document के अंदर. तो document के अंदर सारा कुछ files, folders वगैरह रहता है. नेक्स्ट इज पिक्चर्स. इट अलाउज यू टू रिव्यू एंड ऑर्गेनाइज योर डिजिटल पिक्चर्स. तो पिक्चर्स में आपको क्या होता है कि ऑर्गेनाइज कर सकते हो डिजिटल पिक्चर्स, मतलब कि इमेजेस जो आप सभी डाउनलोड करते हो तो आप एज अ पिक्चर्स में ही वो सेव होता है और आप उससे ओपन कर सकते हो. म्यूजिक. इट अलाउज यू टू प्ले म्यूजिक फ्रॉम द लाइब्रेरी. तो म्यूजिक में क्या होता है, ऑलवेज आप प्ले करते हो म्यूजिक तो वही दिखाई देता है. नेक्स्ट इज गेम्स. इट अलाउज यू टू प्ले गेम्स. तो आप गेम्स खेलते हो ना, तो गेम्स सारी आप इंस्टॉल करते हो तो वो कहाँ पर होती है, गेम्स के अंदर. तो आपको इंस्टॉल भी ऐसे करना चाहिए कि वो गेम्स के अंदर ही जाए. नेक्स्ट इज कंप्यूटर. ये मोस्ट टाइम पी जो आइकन है वो ये है, इसके अंदर ही सब कुछ होता है. जो भी आप इंस्टॉल करते हो वो कंप्यूटर के अंदर रहता है. इट गिव्स यू एक्सेस टू योर कंप्यूटर्स डिस्क ड्राइव्स एंड फाइल्स. यू कैन टर्न ऑफ योर कंप्यूटर बाई यूजिंग शट डाउन ऑप्शन एट द बॉटम ऑफ द राइट पेन. तो कंप्यूटर के अंदर ही होता है और नीचे लास्ट में क्या आता है, शट डाउन ओपन ऑप्शन आता है. नाउ नेक्स्ट इज आइकॉन्स. यहाँ पर छोटे छोटे जो इमेजेस दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, आइकॉन्स. एज यू नो आइकॉन इज अ स्मॉल पिक्चर यूज टू ओपन अ फाइल फोल्डर और प्रोग्राम. लेट्स लर्न मोर अबाउट. तो आपको आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं तो इसको आप ओपन करके डायरेक्ट प्रोग्राम में जा सकते हो. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्टिंग एंड डिसलेक्टिंग. अभी सिलेक्ट क्या होता है, जब भी आप कोई भी इमेज पर या कुछ भी हो उस पर माउस पॉइंटर रखकर क्लिक करते हो तो वो क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है. तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिंग. और बाहर क्लिक करते हो तो डीसिलेक्ट होता है. तो इसके स्टेप है द टेक द माउस पॉइंटर ओवर द आइकॉन यू वांट टू सिलेक्ट. तो पहले तो आपको माउस पॉइंटर लेना पड़ेगा, मतलब माउस हाथ में लेना है और जो भी आइकन है उस पर क्लिक करना है. स्टेप टू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस. तो आपको ज़्यादातर आपको लेफ्ट बटन ही यूज करना होता है. राइट क्लिक कौन सा के लिए, राइट क्लिक हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट्स के लिए.
The change color of the icon indicates that the icon is selected. तो इसका देखो आप क्लिक करोगे तो ऐसे कलर चेंज हो जाते हैं. सपोज यहाँ पर मैं माउस से क्लिक करूंगी कोई भी एक आइकन पर. चलो एक आइकन पर क्लिक किया तो ये चेंज हो गया पूरा. सिंपल क्लिक करना है, यहाँ पर सिंपल क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा. ऐसे सिलेक्ट हो गया, दिखाई दे रहा है सबको, ब्लू कलर का हो गया है. और बाहर क्लिक करोगे तो डी सिलेक्ट, अगेन क्लिक करो तो सिलेक्ट. ठीक है, नाउ स्टेप टू डी सिलेक्ट. टेक द माउस पॉइंटर अवे फ्रॉम द सिलेक्टेड आइकन्स. तो आपको माउस पॉइंटर को वहां से बाहर निकल कर क्लिक छोड़ देना है. क्लिक करो तो वो डी सिलेक्ट हो जाए. क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस, फिर से आप कर सकते हो ऐसे ही. द कलर ऑफ आइकॉन चेंज टू इट्स ओरिजिनल कलर. तो यहाँ पर ओरिजिनल कलर आ गया, माउस पॉइंटर यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर कलर चेंज हो गया, मतलब जैसा है ओरिजिनल वैसे ही हो गया. नाउ सॉर्टिंग आइकॉन्स, अरेंज द आइकॉन्स ऑन द डेस्कटॉप, इट्स कॉल्ड सॉर्टिंग आइकॉन्स. स्टेप टू स्टार्ट द आइकॉन्स, राइट क्लिक एट एनी एम्प्टी एरिया ऑफ डेस्कटॉप, अ पॉपअप मेनू अपीयर्स. जो राइट क्लिक करोगे तो पॉपअप मेनू दिखाई देता है. ओके, तो वो क्या है, शॉर्टकट्स है. आप राइट, अभी आपको कौन सी क्लिक करनी है, राइट क्लिक करनी है. नाउ स्टेप टू, क्लिक द सॉर्ट बाय ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, अ सब मेनू अपीयर्स. स्टेप थ्री, क्लिक द ऑप्शन ऑफ योर चॉइस. देन आफ्टर ऑल द आइकॉन्स ऑन द डेस्कटॉप विल स्टार्ट अकॉर्डिंग द टू द चॉइस सिलेक्टेड. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ब्लैंक एरिया डेस्कटॉप में, राइट क्लिक की तो ऐसे पॉपअप मेनू अपीयर हुआ, फिर उसके अंदर सॉर्ट बाय दिखाई दे रहा है. तो उसको आप यहाँ से, उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि राइट साइड का एक पॉइंटर है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है राइट साइड का पॉइंटर. तो आपको पता है कि उसके अंदर कुछ होता है, जिसके ऐसे पॉइंटर होते हैं तो उसके अंदर कुछ होता है. तो वहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक सब मेनू ओपन हुआ, तो उसमें से आप अरेंज कर सकते हो नेम के टाइप, साइज, देन आफ्टर आइटम टाइप, डेट मॉडिफाई. तो आप क्लिक करो तो आपके आइकन ऐसे अरेंज हो जाते हैं. तो हम करेंगे, आप ही डेस्कटॉप में पहले तो राइट क्लिक करेंगे माउस पॉइंटर से, ऐसे राइट क्लिक करनी है, फिर राइट क्लिक करेंगे तो ऐसे शॉर्टकट्स मेनू ओपन होगा. फिर वहां से सॉर्ट बाय पर जाएंगे, सॉर्ट बाय पर आपको दिखाई दे रहा है और हमें नेम के टैग पे जाना है. तो नेम पर क्लिक करेंगे तो ऐसे पूरा डेस्कटॉप में हमारा जो आइकन है अरेंज हो जाएगा. सपोज मैंने एक आइकॉन को बाहर ऐसे ही रख दिया है तो क्या हो जाएगा कि वो अपने आप अरेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है बाय नेम के टाइप पर है अरेंज किया हुआ, इसीलिए ये ऐसे ही रहता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑटो अरेंज. अभी हमारा जो कंप्यूटर था वो ऑटो अरेंज ही था, इसीलिए कोई आइकॉन्स हिलते नहीं थे. ऑटो अरेंज आइकॉन्स ऑप्शन अरेंजेस ऑल द आइकॉन्स इन डेस्कटॉप ऑटोमेटिकली. दिस ऑप्शन डजंट अलाउ यू टू मूव द आइकॉन्स वेर यू वॉन्ट देम टू प्लेस द आइकॉन्स एनीवेयर टू द इन द डेस्कटॉप एट योर विशेस. फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. राइट क्लिक एट द एम्प्टी प्लेस ऑन द डेस्कटॉप, शॉर्टकट मेनू अपीयर्स, क्लिक व्यू, अ सब मेनू अपीयर्स. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पहले तो शॉर्टकट मेनू आ गया, इसको पॉपअप मेनू, फिर हमें कहाँ पर जाना है, व्यू के अंदर. व्यू के अंदर यहाँ पर ऑटो अरेंज आइकॉन्स दिखाई दे रहा है, तो उसमें क्या है अलाइन आइकॉन्स, ग्रिड, सो डेस्कटॉप आइकॉन. तो ये पूरा ऑटो अरेंज का ऑप्शन ऑन हो गया है. ओके, फिर आपको उसको अनचेक करना है तो आप उस पर स्टेप थ्री, अनलॉक अनचेक ऑटो अरेंज आइकॉन्स. नाउ यू कैन मूव एंड प्लेस द आइकॉन्स एनी वेयर एट द डेस्कटॉप. तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है शॉर्टकट मेनू कौन से क्लिक करेंगे, राइट क्लिक. तो राइट क्लिक जब भी हम करेंगे तो व्यू में जाएंगे और व्यू में ऑटो अरेंज ऑप्शन है वो बंद कर देंगे. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑटो अरेंज ऑप्शन ऑन है तो वो क्लिक कर दिया. अभी हम क्या करेंगे,
फिर से देखेंगे ऑटो अरेंज आइकन्स तो बंद हो गए, ऑटो आइकन्स भी अभी हमें आइकन को मूव करना है। हो गया मूव, ऐसे मूव हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑटो अरेंज अभी हम ऑटो अरेंज कर देंगे सपोज, तो ऑटो अरेंज क्लिक किया और ऑटो अरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपनी जगह पर चला गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाइडिंग डेस्कटॉप आइकॉन्स। यू कैन हाइड द आइकॉन्स अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप। स्टेप टू हाइड द आइकॉन्स। स्टेप वन, राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, अ पॉपअप मेनू अपीयर्स। स्टेप टू, क्लिक द व्यू ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, अ सब मेनू अपीयर्स। स्टेप थ्री, क्लिक द शो डेस्कटॉप आइकॉन टू अनचेक इट। इफ यू वॉन्ट टू गेट बैक द आइकॉन ऑन योर डेस्कटॉप, क्लिक द शो डेस्कटॉप आइकॉन्स अगेन। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, सपोज आइकन्स होए डेस्कटॉप के जो भी, तो उसको आपको हाइड करना है। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करनी पड़ेगी खाली एरिया में, तो क्या आ जाएगा, पॉपअप मेनू। फिर स्टेप टू क्या करना है, व्यू ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, तो व्यू ऑप्शन में जाएंगे और सब मेनू अपीयर्स होगा। स्टेप थ्री क्या करेंगे, क्लिक द शो डेस्कटॉप आइकॉन टू अनचेक इट। इफ यू वॉन्ट टू गेट बैक द आइकॉन्स योर डेस्कटॉप, क्लिक द शो डेस्कटॉप आइकॉन्स अगेन। तो यहां पर आपको स्टेप दिखाई दे रहा है, तो व्यू में गए, व्यू में से आपको कौन सा वाला लेना है, यहां पर दिखाई दे रहा है शो डेस्कटॉप आइकॉन्स, तो उस पर क्लिक करना है व्यू में जाकर। तो ऐसे हम कर सकते हैं, यहां पर हम आ गए शॉर्टकट्स में, तो व्यू में गए, फिर शो डेस्कटॉप आइकॉन्स वहां पर क्लिक किया, अभी तो चेक्ड है, तो कहाँ गया सभी कुछ, डेस्कटॉप में से आइकन्स चले गए। फिर से राइट क्लिक, फिर से व्यू, फिर से शो डेस्कटॉप आइकन्स पर क्लिक करेंगे, सभी आ गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गैजेट्स। गैजेट्स क्या होता है, वो आपको राइट बाजू सभी कुछ, आपको जो भी शॉर्टकट्स में गेम्स चाहिए या फिर क्लॉक चाहिए, तो आप ऐसे रख सकते हो। There are various tools which are required frequently, like weather, clock, calculator, language translator and so on. जैसे आप स्मार्टफोन में भी रखते हो, आप रखते हो ना गूगल ओपन करके रखते हो एज अ गैजेट्स, देन आफ्टर आप रखते हो क्लॉक, वेदर भी रखते हो, तो वो सभी कुछ आपके डेस्क स्मार्टफोन में फर्स्ट स्क्रीन में होता है। गैजेट्स प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू द This type of tools like icons, gadgets also are small image which gives a quick recognize of the tool. To add a gadgets to your desktop you have to, तो आपको क्या करना है, gadgets add करने है। तो first step क्या है, right click at any empty space on the desktop, वहां पर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है सबको, any डेस्कटॉप में आपने राइट क्लिक की तो, देन आफ्टर अ पॉपअप मेनू अपीयर, सिलेक्ट द गैजेट्स ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको गैजेट्स ऑप्शन दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है सबको ये वाला, तो गैजेट्स ऑप्शन दिखाई देता है, तो क्या होगा कि आपको साइड में गैजेट्स आ जाएगा। इट वुड बी प्लेस्ड एट योर डेस्कटॉप ऑन द राइट साइड, यहाँ पर आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है, क्लॉक दिखाई दे रही है, कैलेंडर, देन आफ्टर वेदर, इफ यू हैव अ इंटरनेट कनेक्शन, तो यहाँ पर वेदर भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर गेम्स भी है, तो ऐसे टूल्स आते हैं जो आप यूज़ करते हैं। यहाँ पर गेम्स है जो आप पिक्चर्स पजल्स कहते हो, वो भी आप ऐसे खेल सकते हो। स्लाइड्स हो, जो भी आपने कुछ इमेज वगैरह होती है, तो आप एज अ स्क्रीन सेवर रख कर वो यहाँ पर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू।